शहीद हवलदार सतपाल राई का पार्थिव देह आज बागडोरा जैसे ही पहुंचा, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सैन्य छावनी में तांता सा लग गया। उनके परिवार और उनका खास तौर से जो बेटा सेना में है, वह भी अपने पिता के पार्थिव देह के साथ ही विशेष विमान से बागडोगरा आए। अंतिम सलामी देने के लिए उनको बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ अमर रहे के नारे के साथ नजर आए। सांसद राजू बिस्टा एवं टीएमसी के दिग्गज नेता गौतम देव भी उनको सादर नमन करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं इस पूरे अंतिम सलामी कार्यक्रम की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हो गया? अरे चलो प्लीज अभी एक लाइन बोलने दीजिए उनको। रोड क्लियर कर दीजिए। रोड रोड चलो 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 दादा एक बार बोलने को बोलने को बोलिए। ये बहुत ही गाड़ी रेलवे से आगे थी। मेरी मदर के बिहाफ में मैं आपको बोल दूँ। Thank you.
कुर्सी कुर्सी কাজ করছি তাহলে আমি নর্মাল করে দিচ্ছি ঠিক আছে ক্যামেরাম্যান এই ঘটন দাবো আসতে দেখো হ্যাঁ বলো হ্যাঁ হ্যাঁ বিধাননগর বাগডোগরা বাগডোগরা Thank you.
को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था पूरे हिंदुस्तान के लिए। हमने बिपिन रावत जी जो हमारे देश के पहले CDS थे उनको खोया और उनके साथ 13 लोगों की जान गई। और हमारे दार्जिलिंग के हवलदार सतपाल राय जी को भी हमने खोया और उनकी अंतिम संस्कार उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाने से पहले सिलीगुड़ी में इस आर्मी कैंप में अभी उनका सम्मान अंतिम विदाई दिया जा रहा है आर्मियों की तरफ से। और मुझे भी इस यहाँ पे आके उनको माला अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कठिन समय पूरे हिंदुस्तान दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता के लिए। बिपिन रावत जी ने एक जो आधुनिकीकरण किया सेना में वो पूरे हिंदुस्तान को ज्ञात है और वो एक हम सब के बल्कि देश के मैं कहूँगा एक राष्ट्रीय कवच के रूप में थे। बहुत बड़ी क्षति हुई है और सतपाल राय जी हमारे दार्जिलिंग के वीर गोरखा सपूत उनको भी हमने खोया। ये सब लोग जो 13 लोग जिन्होंने अपनी जानें गुमाई है जो शहीद हुए हैं उनके प्रति संवेदनाएं, भगवान उनको शक्ति और ताकत प्रदान करे उनके परिवारों को। और हम सब युवाओं के लिए इनका जो है इस तरह से जाना बहुत दुखद लगता है, लेकिन ऐसे बलिदानी लोगों से पूरे हिंदुस्तान के युवा जो है प्रेरणा लेता रहेगा। राज्य सरकार पक्ष के विमानबंदर अल्फा जोने हमरा छिलाम, सेखाने वायुसेना पक्ष के एवं आर्मिर पक्ष के सतपाल राय শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় এবং এখানে ব্যাংডুবিতে সেনা ছাউনিতে তার প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে তাকে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এই বীর দেশের সেনানায়ক তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। তার স্ত্রীও এখানে এসছেন, তার মৃত্যুর খবর পেয়েই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তার পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য। আমি সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় তাকদা বাগানে গিয়ে তার স্ত্রী মা এবং তার মেয়ে তাদের সাথে দেখা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে আন্তরিক সমবেদনা এবং এই শহীদ পরিবারের
পাশে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে থাকবে। রাজ্য সরকারে বার্তা দিয়ে এসেছি এবং কালকে যেটা আমরা খবর পেয়েছি যে 11টা নাগাদ তার রিচুয়ালসটা রাইসটা শেষ রাইসটা ওখানে অনুষ্ঠিত হবে তার বাড়িতে তাকদা চা বাগানে। আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে কালকে সকালবেলায় যাব এবং এই শহীদের প্রতি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তার বাড়িতেও কাল সকালে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।